ये है हमारा कैन 12 सेफ्टी टेस्टर जो कैन वायरिंग के लिए यूज़ होता है। ये इस्तेमाल करने के लिए आपको पहले 12 वोल्ट आपको यहाँ लग पीछे इनपुट करना पड़ेगा। इसमें ये वोल्टेज दिखाई देंगे आपको, शो करेंगे। ये मेन लाइट शो करेगी, ये शॉर्ट की लाइट करेगी, ये रिसेट, ये चेक लाइट शो करेगी, ये इमो की लाइट शो करेगी। ये इसका मेन स्विच है, ये इग्निशन स्विच है। ऐसे ही इसके अंदर आपका एंटीना लगा हुआ है वायरिंग में, कैन केबल का, कैन केबल के अंदर ही। और ये सुमात्रा है और ये कंट्रोल मॉड्यूल है। इसमें बोश और कैफे को दोनों एक ही वायरिंग के अंदर टेस्ट कर सकते हैं। इसे पहले मैन ऑन करेंगे, ये आपकी शॉर्ट की लाइट आ गई। अगर आपका ईसी ओके है तो ये ऑन होगा, और अन ओके है तो ऑन नहीं होगा। ये आपका ईसी ओके है। ऐसे ही हम इसमें इग्निशन ऑन करेंगे, इसकी चेक लाइट है, ऑन हो चुकी है, और ये इमो की लाइट है, ऑन नहीं हुई है। तो इसके अंदर आपको पहले इसमें ट्रांसपोंडर रखना पड़ेगा और इग्निशन ऑफ करना है, ऑन करना, ये आपको इमो की लाइट ऑन हुई। इसको यहाँ इस्तेमाल करना है आपको लगाने के लिए, ये शॉकेट इस्तेमाल करना है, और ये इसका 12 वोल्ट आउटपुट सेफ्टी टेस्टर है। इसको मैं अगली वीडियो में आपको समझाऊंगा ये किस लिए है।